हे hey, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल जोशी। आप देख रहे हैं श्रीमान टेक। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जो आप पूरा दिन डे टू डे यूज़ करते रहते हो। मैं बात कर रहा हूँ टाइपिंग के एप्लीकेशन के बारे में। टाइपिंग के लिए आप कौन सा कीबोर्ड यूज़ करते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर मैं जो आपके लिए एप्लीकेशन लेके आया हूँ उससे आपका एक्सपीरियंस बेटर हो जाएगा। डे टू डे यूसेज में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और आजकल इमोजी सेंड करते हो या मीम बना के सेंड करते हो तो आप सामने वाले को इम्प्रेस भी कर सकते हो। तो दोस्तों अंत तक वीडियो जरूर देखना। इस वीडियो में मैं आपको इस एप्लीकेशन के बारे में सभी चीज डिटेल में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों एप्लीकेशन का नाम है बबल इंडिका कीबोर्ड। तो दोस्तों इसका पूरा इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको इस वीडियो के दरमियान बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो पे बने रहिए, जल्दी से हम अपना वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम गवाए। तो आपको प्ले स्टोर में आसानी से ये एप्लीकेशन मिल जाएगी। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली इसके इंटरफेस में चले जाना है। उसमें क्या क्या सेटिंग करनी है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हो। कीबोर्ड सेटिंग है, यहाँ पे आपको कीबोर्ड सेटिंग में जाना है। यहाँ पे आप लैंग्वेज सेट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लैंग्वेज सेट कर दी है। आप किसी भी भाषा में यहाँ पे अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको थीम कस्टमाइज़ करनी है, टॉप बार कस्टमाइज़ करना है, चाहे तो आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो। यहाँ पे एडिशनल सेटिंग है जो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, उसके वापस आ जाना है। तो हम अब चलते हैं व्हाट्सएप में, और व्हाट्सएप में यहाँ पे कीबोर्ड का इंटरफेस कुछ ऐसा लगता है। पहले आपको दिखाएगा फॉन्ट, इसमें आप कोई सा भी सिलेक्ट करके आप चैट कर सकते हो आसानी से। मैंने कि ये सिलेक्ट करके हाई लिखा। यहाँ पे अलग अलग ऊपर आप देख सकते हो अलग अलग कलर में लिख के आ जाएगा, वो भी आप सेंड कर सकते हो। अगर इसको भी आपको नहीं रखना है, दूसरा कुछ रखना है, तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो आसानी से आप ये कर पाओगे। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो कई सारे इमेजेस आते हैं जो एक क्लिक करने पर बड़े होके आवाज़ के साथ सामने वाले को पहुँच जाएगा। जैसे कि मैं इस हंसने वाले इमेजेस को ऐसे क्लिक कर रखूँगा तो ये बड़ा होके आवाज़ करके चला जाएगा। तो ये आपके लिए आसानी रहेगी किसी भी चैट सेक्शन में आप बात करते हो तो। और यहाँ पे आप जिस जो स्टिकर है उसमें अपना पिक्चर सेट करके रखा है, तो यहाँ पे अलग अलग मीम्स आएंगे और वो भी आप आसानी से देखो भेज सकोगे। तो यहाँ पे बहुत आसानी रहती है, ये कीबोर्ड में ही आप सब कर सकते हो। कई सारे मीम बनाए हुए आपको मिल जाएंगे और कई आप खुद बना सकते हो जो आपके लिए अच्छा है। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे वॉइस कंट्रोल के बारे में। यहाँ पे मैंने इंग्लिश, हिंदी और गुजराती को सिलेक्ट किया है। यहाँ पे आप प्लस आइकन दिख रहे हो, उसको प्रेस करके कोई सा भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो जो आपकी मनपसंद लैंग्वेज हो। तो दोस्तों और जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे तीन डॉट दिखाई देंगे, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे आपको थीम, जॉक्स, शायरी सब कुछ मिलेगा। अगर आप शॉर्टकट्स में आगे लेना चाहते हो तो जैसे कि मैं क्लिक करना है और यहाँ पे ड्रैग कर देना है। यहाँ पे सेटिंग लिया है, ड्रैग कर दिया, तो ऐसे करोगे तो वो शॉर्टकट्स में यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे। अगर मान लो आपको शायरी भेजनी है किसी को तो सीधा यहाँ क्लिक करोगे, शायरी हिंदी में आ जाएगी। तो किसी को आप जॉक्स भेजना चाहते हो तो जॉक्स के सेक्शन में आओगे तो यहाँ पे हिंदी में आपको बहुत सारे जॉक्स मिल जाएंगे। डे टू डे यूज़ में आप आसानी से इसे इस्तेमाल कर पाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वाली वीडियो में आपको मजा आया होगा। ये एप्लीकेशन डे टू डे यूसेज में आपको बहुत काम आने वाली है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।